अच्छा विष्णु भगवान नारायण कार्तिक करके हाँ समझ ये होता है ये बीच में शिवलिंग है क्या ये वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल गाइस। आज हम आए हैं त्रियुगी नारायण में टेंपल में। कल रात को हम आए केदारनाथ से, नीचे रुके थे केदारनाथ का व्लॉग आपने देख ही लिया कल, ठीक है। आज हम बनाएंगे, इधर दिखाओ भाई और को, इधर मंदिर है, इधर से ये एंट्रेंस है इसकी। अभी तक हम गए नहीं है, क्या मामला है क्या नहीं है। इससे पहले कि हम उस अंदर जाएँ वहाँ की चीज़ मैं दिखाऊँ, इधर आ जाओ। यह है देवभूमि, और देवभूमि इसलिए नहीं कहते कि मतलब मंदिर है ये है वो है, नहीं। जहाँ भी देखोगे ना तुम, कुछ ना कुछ तुम्हें दिखता रहेगा। अब हम यहाँ पे कुछ खाना खाएंगे, फिलहाल मैं खा रहा हूँ समोसे, ठीक है। भूख लग रही है बहुत तेज, सुबह से कुछ खाया नहीं है। भाई अरे आए समोसे, वो आ गए, देखो। अब मैं जा रहा समोसे खाने, एंट्री करूंगा ना मंदिर में, जब मिलूंगा आपसे मैं। आ जाओ, ऐसी बात करता है, जहाँ महादेव आ गए वहाँ से पूजा मंदिर बन जाता है। समझ लो भाई, पूजा तो हो जाएगी। समोसा दिए हुए और लाऊं क्या? इतना तो मेरे पते से ज़्यादा तो मेरे पास ही है इतना तो दिखा रहा भैया। यहाँ से भाई अभी हम एंट्री कर रहे हैं, ठीक है। ये मेन द्वार है, ये 50 की थाली रखो सबके बीच में, चार राजमुख के बीच में, जहाँ पर शंकर पार्वती का शादी हुआ है वहाँ पर ये जाएगा, फिर ये तुम्हारे घर के ले जाएगा। पूजा करने के बाद ये सब घर जाएगा। ये केवल यहाँ चावल छूटेंगे और कुछ नहीं छूटेगा, ये सब तुम ले जाओगे। एक थाली रखो सबके बीच में, 50 रुपये की, 50 रुपये की थाली, बिल्कुल ज़्यादा थोड़ी नहीं है। भाई अभी ये अंकल मिले मुझे, एक बार बताओ अंकल जी मुझे, ये मंदिर का महत्व क्या है? यहाँ पर शंकर और पार्वती का शादी हुआ था। शादी हुई थी, अच्छा। विष्णु भगवान नारायण साक्षी करके, हाँ समझ गए, अच्छा। यहाँ पर है चार कुंड, चार कुंड है, हाँ अच्छा अच्छा। दो कुंडों में तो स्नान होता है, हाँ हाँ। तीसरे में आचमन होता है, चौथे में तर्पण होते हैं, और धर्मशिला पर होती है पूजा। ये देख ले सबके पास थाली होगा, कोई भी घर थाली का नहीं होगा। ये देख ले, ये होता है, ये देख ले। ये बीच में शिवलिंग है क्या है ये? शिवलिंग है, हाँ हाँ, पूजा करने की जगह है। देख ले 50 में क्या लगा है, कुछ भी नहीं लगा है, वो सबके पास थाली, देख लो। हाँ। और वो कुंड, ये कुंड नहाने का है वो, हाँ नहा सकते हैं उसमें। ये है ऊपर है, तीसरा ऊपर है, कितने कुंड है? चार कुंड तो मैं बता रहा हूँ, तुम तो एक थाली रखो, एक एक करके तुमको कुंड बताया जाएगा, जो पानी घर जाता है। समझ गए? ये रास्ता कहाँ जा रहा है? ये भी मंदिर में जाएगा, अच्छा। और ये भी मंदिर में जाएगा, आ जाओ मंदिर में दर्शन करते हैं। मेन मंदिर में क्या क्या होता है? ये कौन सा मंदिर है भाई? कितना पुराना है यार, नहीं आ जाओ भाई। वो मांगेगा पैसे हमसे, इसको मना करें, हम देख लें खुद। त्रियुगी नारायण टेम्पल, इधर आ जाओ, एक बार इधर आ जाओ, ये लिखा ना सब कुछ। This magnificent temple decided to not surrender the village of Triyugi Narayana. पढ़ लेना भाई पूरा, इतना टाइम नहीं हमारे पास, थोड़ा सा अपना पोज वोज कर लेना, पढ़ लेना, क्या मैटर है। आ जाओ इधर, आ जाओ, ये शिवलिंग है, शिव मंदिर है छोटा सा, जय बाबा की।
आ जाओ अंदर, अलाउड नहीं है ना, पहले इधर चलेंगे, आ जाओ। भैया अभी हम जा रहे हैं घूम फिर के जा रहे हैं, पूरा टूर कराते हैं आपको। सेम जैसे केदारनाथ का मंदिर बना हुआ है ना, सेम वैसा बना हुआ भाई, कोई अलग, बस ये थोड़ा मंदिर छोटा है, वो थोड़ा बड़ा है। यहाँ पे हवन चल रहा है। जी हाँ, बोले शंकर, ये देख लिए सब लोग सुनिएगा, ये जो शिला है यही माता पार्वती भोलेनाथ का विवाह का मंडप है, ये विवाह की वेदी है, ये जो पत्थर चक्र बना हुआ है इसको बोलता है धर्म शिला, धर्म की शिला है। हाँ, श्री चक्र माता का विवाह का वेदी, इसी स्थान पे राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया था, यहीं पे लोग आते हैं सौभाग्य पूजा करके नारायण का आशीर्वाद लेके जाते हैं। हाँ, ये जो स्थान है, हाँ ये जो स्थान है धर्मशिला, माता पार्वती का विवाह का वेदी है ये, इसको बोलते हैं धर्म की शिला। इस स्थान में राजा हिमाचल ने अपनी पुत्री का कन्यादान किया था। और ये सामने यहीं पे थोड़ा हट करके ये गोदान का किला, यहाँ पे 125,000 गायों का उन्होंने दान किया था और मोरमणि उसे दान करके माता को विवाहा था। अंदर दर्शन है भगवान की और वहीं पे त्रेता युग की अखंड ध्वनि, तीन युग से प्रज्वलित अग्नि, गर्भ गुफा में दर्शन है, सेंटर में विष्णु भगवान, दाएं भाग डोले में लक्ष्मी, बाएं भाग में सरस्वती, भगवान के चरणों में तांबे की शिला, 108 शालिग्राम उसमें, भगवान के सामने चांदी का अखंड दीपक, दीपक के नीचे शिव पार्वती का सौभाग्य जोड़ा मूर्ति बरबद रूप में, और भगवान की पंचायत दीवार पे ताम्रवर्ण में दो मूर्ति क्षेत्रपाल देवता वरुण देवता, बीच में चतुर्भुज नारायण, पीताम्बरी वस्त्र पहने आदि गुरु शंकराचार्य, बद्री नारायण और भगवान रामचंद्र, ये अंदर भगवान को दर्शन दिखाएंगे आपको, गर्भ गुफा का दर्शन है। और वहीं बाहर पे है त्रेता युग की अखंड ध्वनि। तो यहाँ से पूजा प्रतिष्ठा करने के बाद, आप लोगों को दर्शन करवाने के बाद, तब आपको भस्मी का पैकेट देंगे और तब आप लोग दर्शन करके उसके बाद इत्मीनान से जाना। तो ये वर्णन यहाँ का था। तो नारायण भगवान की जय। आ जाओ भाई, अब पंडित जी महाराज ने सब बता दिया हमें, कैसे कैसे क्या क्या था, थोड़ी बहुत हमें भी चीजें पता चल गई है। ये क्या है? शंकर। अच्छा, जो असली चीज है, थोड़ा सा जल चढ़ाओ, सामने लोटा है तो कुर्सी में, और एक लोटा जल चढ़ाओ, रुद्राक्ष काम करो और भीतर जाओ, समझ गए? यहाँ से अंदर तो बंद है। हाँ, बंद क्यों ना, देख ले, हाथ जोड़ बोलो ओम। ये देखो भैया कुंड है, यहाँ से पानी निकल रहा भाई, देख पानी आ रहा है यहाँ से, है ना? आ जाओ, अरे वो वाला मैटर कहाँ है भाई, वो तो 24 घंटे हम चलते 3 साल में वहाँ पे 4 कुंड है बता रहा है, 4 है कुंड, एक ये कुंड है, हैं? हाँ, और ये क्या है? अंदर एंट्री करना भाई, मेन मंदिर में चलते हैं, बहुत देर हो गई। चलो भाई, अब हम जा रहे हैं, मैं एंट्री कर रहे हैं, वहाँ पे कैमरा में अलाउड नहीं है, ठीक है? दर्शन करके आता हूँ मैं, फिर यहीं बाहर मिलते हैं आपसे, ठीक है? दर्शन कर लिए हमने अभी यहाँ से निकल के आए, ठीक है? और बाकी मैंने आपको पूरा टूर दिखा दिया, और जो मोटी मोटी बातें थी वो पंडित जी ने बता दी हैं। अब यहाँ से जाएंगे हम गोरी गुफा है ना, उपरवासम, यहाँ जाएंगे हम गोरी गुफा, अप्रोक्स 2 किलोमीटर है, और देखते हैं ऐसे गुफाओं में क्या है, जो भाई क्या पता हमें दर्शन हो जाए गुफाओं में किसी के। अब यहाँ से निकल रहे हैं, फाइनल हो गया अपना त्रियोगीनाथ का,
गौर गुफा मिलते हैं वापस।